विश्वकर्मा बैकवर्ड जाति जो अति पिछड़ा व्यक्ति से संबंध रखता हूँ, मैं केवल बैकवर्ड की बात करूंगा। ये आज का जो कार्यक्रम उसका मकसद था कि कोई भाषण देने का मकसद नहीं था। हमारे विधान मंडल की मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला किया गया था कि हम जाएंगे और सबकी बात सुनेंगे। ऐसे समस्याओं का मालूम हमारे को, लेकिन फिर भी सबकी भावना सुनेंगे और इस हरियाणा की आवाज बनकर, हरियाणा के सारे वर्गों की आवाज बनकर आने वाले विधानसभा में यहाँ दो सौ से उठाएंगे और सरकार को भेजने का काम करेंगे। इसी बात को सारे हमारे विधायक साथी आए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता आए हैं। ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम दिए क्योंकि लोगों ने हमारे को विपक्ष की भूमिका दी और हमने कहा था कि भाई दो साल तक इस सरकार को समय देंगे हम, क्योंकि गठबंधन सरकार है तो मौका परस्ती की। लेकिन उन्होंने कहा था भाई हम किसान का, मजदूर का, गरीब आदमी का, व्यापारी का, सबका भला करेंगे, शहर का विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे, हरियाणा का विकास करेंगे। दो साल का इनको मौका दिया, लेकिन अब दो साल के बाद ये देखा जो हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आय में और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, आज बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर एक हो गया है और अपराध में चाहे वो बलात्कार हो, चाहे मर्डर हो, चोरी हो, उसमें बहुत तेजी से बढ़ा है। हिंदुस्तान में कोई किसी में दूसरे नंबर पे है, किसी तीसरे में कहीं तीसरे नंबर पे है। और ऐसा लगता है प्रदेश में कानून व्यवस्था कुछ चीज है, किसान बर्बादी की उस पर खड़ा है, गरीब आदमी कोई पूछ नहीं, व्यापारी परेशान है, सरकारी कर्मचारी सड़कों पर ही रहते हैं। आपका कोई भी एक वर्ग ऐसा नहीं जो इस सरकार से संतुष्ट हो। अभी बहुत सारे साथियों ने अपनी अपनी बात कही, वीरेंद्र बंसल जी ने सारी व्यापारियों की समस्याएं हमने हमारे यहाँ रखी और जिस प्रकार से प्रोक्योरमेंट हो रहा है उसकी चर्चा की। प्रोक्योरमेंट कहते कुछ है, करते कुछ है। MSP देखा आपने, कभी कहेंगे हम धान की खरीद 25 तारीख से शुरू करेंगे, कभी कहेंगे 1 तारीख से करेंगे, फिर कह देंगे 9 तारीख से करेंगे, दबाव पड़ा है तो 3 तारीख से कराएंगे, लेकिन ये पता ही नहीं किस सेलर में जाएगा, किस प्रकार से होगा, तो किसान को सस्ता बेच के जाएगा।